Hi everyone, this is Amit Suryavanshi, writer, director, actor, working in the industry from 1978 till today, and I pray to God to give me a chance to work more time till the death. सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फेडरल फिल्म एंड एंटरटेनमेंट के मार्फत से आप लोगों को फिल्म मेकिंग की समस्त चीज़ों की नॉलेज हो, सारे चीज़ों का पता हो, कौन क्या है, कौन क्या काम करता है. अ पार्ट ऑफ द एक्टर एंड एक्ट्रेस और भी बहुत से लोग होते हैं जो हमारी फिल्म में काम करते हैं. सबसे पहले वन ए पर्सन सो कॉल्ड डायरेक्टर वो डिसाइड करता है फिल्म बनानी है, तो ही हायर्स और कॉन्टेक्ट टू ए राइटर. राइटर आता है, डायरेक्टर दोनों मिलके एक स्टोरी को स्क्रीन प्ले फॉर्मेट देते हैं. स्क्रीन प्ले फॉर्मेट के साथ साथ उसमें डायलॉग शुरू होते हैं. डायलॉग जब स्क्रिप्ट कंप्लीट होती है देन वी आर गोइंग टू सर्च ए प्रोड्यूसर जो फिल्म बनाने में पैसा लगाएगा. प्रोड्यूसर मिलने के बाद वो तीनों मिलकर हम लोग उसमें और भी जो कुछ कमियां होती है उसको क्लियर करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि ये जो चरित्र करेक्टर हमने लिखा है इसमें कौन कौन लोग फिट बैठते हैं, उनको अप्रोच करते हैं. तब जाकर उसमें हीरो की एंट्री होती है. उसके बाद उस हीरो के हिसाब से, इस फिल्म के हिसाब से कौन सा कैमरामैन परफेक्ट होगा डीओपी, जो इसको पूरी तरह से चित्रित कर सके. फिर हम डीओपी साइन करते हैं, फिर रिकॉर्डिस्ट जो सारे डायलॉग्स को रिकॉर्ड करते हैं. उसके बाद मेकअप मैन होते हैं, हेयर ड्रेसर होते हैं, लाइट मैन होते हैं, सेटिंग वाले होते हैं जो आप फ्रेम में देखते हो कि फूलों का गमला लगा हुआ है, फ्रेम पीछे जो लगा हुआ है, ये सब सजावट करने वाले आर्ट डायरेक्टर कहते हैं. उनके अंडर में भी 6-7 लोग होते हैं. सेट लगता है, वो सेट लगाने वाले 100-150 भी लोग हो सकते हैं. जैसे आपने बाहुबली फिल्मों में देखा होगा तो टोटल उस फिल्म में पार्ट ऑफ द एक्टर 300,000 लोग और थे जो बिहाइंड द कैमरा काम करते हैं. उसके बाद क्या होता है कि शूटिंग हमारी शुरू होती है. स्पॉट बॉयज होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, हमें वक्त पे चाय, नाश्ता, खाना सब कुछ देते हैं. उनकी भी बहुत ही हैवी भूमिका होती है. एक प्रोडक्शन मैनेजर होता है जो सारी चीज़ों का उसको पता होता है, कौन लोकेशन चाहिए, कितने में चाहिए, कहाँ मिलेगा, कितना जल्दी, वो सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है. लाइट मैन्स को सबको कॉल टाइम देना, सबको फोन्स करना, सबको टाइम बताना और सबको क्या क्या कॉस्ट्यूम्स है. ड्रेस मैन होता है जो कॉस्ट्यूम्स लेकर आता है, वो जब कपड़े हीरो पहनते हैं खुद के नहीं पहनते, हम उन्हें हायर करके लाते हैं या खरीद के पहनाते हैं. तो ये सारे लोगों की पूरी टीम होती है जिसको हम यूनिट कहते हैं. फिर वो एक्टर शूटिंग करते हैं, सारा चीज़ करते हैं. अब कई बार होता है कि कई एक्टरों का है कि वो अपना एक ग्राफ बना कर आए कि मुझे ये रोल करना है, लेकिन उनको वो रोल करने को नहीं मिलता. उसका रीज़न ये होता है कि व्यक्ति तीन प्रकार का होता है. एक वो जो होता है, एक वो जो खुद को समझता है और एक वो जो उसको लोग समझते हैं. तो एक्टर को आप देखिए कि हमेशा जो डायरेक्टर ने जिस दृष्टिकोण से देखा ना वही उसका इमेज बनता है. एक बार स्टार बनने के बाद वो अपने मन का जो करना चाहे उसके हिसाब से बनाता है, लेकिन बिगिनिंग में सबसे पहला नज़रिया डायरेक्टर को होते हैं. जो स्क्रिप्ट मैंने लिखी है उसमें कौन कौन लोग कहाँ कहाँ फिट बैठते हैं तो उनको हम लोग हायर करते हैं, कास्ट करते हैं. उसके बाद उनकी हम शूटिंग करते हैं, उनका परफॉर्मेंस उसके कैरेक्टर के हिसाब से निकालते हैं, ना कि एक्टर के हिसाब से निकालते हैं. जो कैरेक्टर हमने स्क्रिप्ट में लिखी है उस कैरेक्टर के हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस को हम पर्दे पर लाते हैं. तब आपको एक नई चीज़ें देखने को मिलती हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि नॉर्मल सा कैरेक्टर जिसको फाइट कैप भी नहीं आता वो भी 4 गुंडों को मारता हुआ आपको नजर आता है, छत से कूदता हुआ नजर आता है, वो सब टेक्निक है. एक एक्टर जो बहुत बड़ा फाइटर है, अगर बहुत बड़ा फाइटर ही एक्टर बनना होता तो हमारे फाइट मास्टर के जो असिस्टेंट जितने फाइटर दे आर परफेक्ट, बट दे कांट बी हीरो, दे कांट बी एक्टर. वो एक्टर को फाइट सिखाते हैं, वो फाइट से डांस मास्टर आता है, वो कोरियोग्राफी करके डांस सिखाता है. तब आप लोगों को नए नए स्टेप्स, नए नए फाइटिंग के पैटर्न आपको दिखाई देते हैं. वो हम लोग बैठ के सोचते हैं कि एक्टर है तो इसके ऊपर कौन सा पैटर्न फाइट का शूट करेगा, कौन सा गाने का मूवमेंट इसके ऊपर शूट करेंगे. उसके हिसाब से हम सब प्लान करते हैं, रिहर्सल्स करते हैं, फिर शूट करते हैं, फिर पूरी फिल्म को एडिट करते हैं. एडिट करने के बाद भी कई एक्टर्स आते हैं जो पर्दे पर नहीं आ पाए, उनको डबिंग आर्टिस्ट बोलते हैं. फिर उस फिल्मों की डबिंग होती है, क्राउड डबिंग अलग होती है जिसमें 40-50 लोग सिर्फ क्राउड ही चिल्लाते रहते हैं. फिर कैरेक्टर्स की डबिंग होती है, वो कैरेक्टर्स की डबिंग आर्टिस्ट अलग होते हैं. फिर री रिकॉर्डिंग आता है जो सबको सिंक्रोनाइज करता है, 5.1, 7.1 में उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है. पूरा करने के बाद फिर उसके बैकग्राउंड म्यूजिक होती है, फिर उसको उसमें इफेक्ट डाले जाते हैं, जैसे दरवाज़ा खुला खड़ाका बजाई, कार का दरवाज़ा बंद हुआ, ट्रेन पीछे से गई तो उसकी साउंड आपको आएगी, मार्केट का एम्बियंस, तो कोई गाड़ी गया, रिक्शा गया, काफ़ी चीज़ें होती हैं, सबकी साउंड आपको सुनाई देती है. फाइट के जो इफेक्ट्स होते हैं वो आपको इफेक्ट से सुनाई देते हैं, बस गोली चली वो साउंड भी आपको सुनाई देती है. इस तरह से कंप्लीट करके फिर उस फिल्म का DI करते हैं, उसको ग्लोजिंग करते हैं, 4K से 2K पे लाते हैं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में सारे थिएटर्स 2K के हैं, 4K के नहीं है. तो 4K पे हम पिक्चर को शूट करते हैं, उसको ग्लोजिंग दिखाने के लिए 2K पे ट्रांसफर करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, DI करते हैं और फिर उसमें नाम टाइटल कैप्शन डाल देते हैं. अब सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम एक एक आदमी का नाम उसके फ्रेम को रोक कर नहीं दिखा सकते.
तो हमने बिगनिंग में इनिशियल जो लोग होते हैं नाम डाल देते हैं, और एंड में जो स्क्रोल आता है उसको आप लोग जरूर पढ़ा करें, उसमें आपको और भी पता चलेगा कि और भी कितने लोग हैं, क्या क्या करते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, म्यूजिक डायरेक्टर के असिस्टेंट्स हैं, उनके सिंगर्स हैं, उनके जो लोग हैं, प्लस आर्ट डायरेक्टर्स हैं, सेटिंग वाले हैं, स्पॉट बॉय हैं, प्रोडक्शन मैनेजर है, लोकेशन वाले हैं, लैब है, पोस्ट प्रोडक्शन कहाँ पे किया गया, वो सारा का सारा आपको लास्ट में देखा जाता है। पिक्चर खत्म होती है, लोग उठ के चले जाते हैं। एक बार कृपा करके आप सब लोग एक एंड स्कोर को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि और भी बहुत सारे लोग हैं जो बिहाइंड द कैमरा उस फिल्म को सजाने में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, अपनी मेहनत लगाते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, तब जाकर एक फिल्म पूरी तरह से कंप्लीट होकर आप सबके सामने आती है। थैंक यू।